नाजरीन आज के उर्दू नामे के इस एपिसोड में आप सभी का खैर मुकदम है जैसा कि आप जानते हैं मीडिया सेंटर मानो के जेरम उर्दू सहाफत के दो सौ बरसों की तकमील पर हम खूसी प्रोग्राम नशर कर रहे हैं आज के इस प्रोग्राम का मौजू है उर्दू सहाफत और फीचर निगारी जी हाँ इस मौजू पर बात करने के लिए हमने आज स्टूडियो में दावत दी है सीनियर सहाफ़ी कलम और बहुत सारी आपके पहलू हैं शख्सियत के मेरी मुराद है जनाब एफ़ एम सलीम साहब से एफ़ एम सलीम साहब पिछले तीन दहाइयों से बुनियादी तौर पर हिंदी सहाफत से जुड़े हुए हैं लेकिन उर्दू सहाफ़त भी आपके लिए अजनबी नहीं उर्दू के अखबार में आपके कॉलम शाया होते हैं और मुख्तलिफ टेलीविज़न चैनल्स पर आप आ, प्रोग्राम भी पेश करते हैं सलीम साहब हम आपका स्टूडियो में खैर मकदम करते हैं जी जीकम नाजरीन हमारा जो सबसे पहला सवाल सलीम साहब से हम जानना चाहेंगे कि दो हैसियतों में सलीम साहब की जो राय है तजुर्बा है जो मुशाहिदा है वो बड़ा कार आमद है एक तो एज एन आउटसाइडर जी बुनियादी तौर तो पर चूंकि आप हिंदी जबान की सहाफ़त से जुड़े हुए हैं रोजनामा हिंदी मिलाप के ब्यूरो चीफ हैं उस हवाले से भी और साथ ही साथ जो आपका रिश्ता उर्दू सहाफ़त से है तो दोनों तरह से आपके जो तजुर्बात हैं वो काफ़ी दिलचस्प होंगे मेरा पहला सवाल आपसे उर्दू सहाफत के 200 वर्षों बरसों की तकमील पर आपके क्या हैं शरीफ भाई के हम हमारे लिए मैं समझता हूँ एक खुशकिस्मती है हम सब जो इस दौर में जी रहे हैं के 200 साल का जो जश्न है हम देख रहे हैं मुख्तलिफ अखबारों में और मैं यूनिवर्सिटी में देख रहा हूँ कि इतने साल से इतने अरसे से करीब तीन चार महीनों से बड़े ही अच्छे प्रोग्राम हो रहे हैं और मुख्तलिफ जैसे कोलकाता है दिल्ली है आ, मुंबई है और हैदराबाद में भी इसका जश्न मनाया जा रहा है इसको हम यकीनन बहुत अहमियत हमको देनी चाहिए क्योंकि किसी चूंकि को, कोई भी तहरीक आ, या कोई भी ऐसा काम जो 200 साल जिसने पूरे किए हैं 200 साल तक किसी तहरीक का जिंदा रहना आ, वो अपने आप में बड़ी अहमियत वाली चीज है और हम आ, उसको एक आ, कह सकते हैं कि इब्तई दौर से आ, जो उसका गोल्डन पीरियड रहा वो दौर और आज हालांकि हम इसको गोल्डन पीरियड आज के आ, दौर को हम नहीं कह सकते क्योंकि उर्दू सहाफत अपना गोल्डन पीरियड जी चुकी है सुनहरा दौर जी चुकी है हालांकि अब हम मायूसकुन दौर में भी नहीं हैं लेकिन ये भी नहीं कह सकते कि इसका जो मुस्तबिल है बहुत ज्यादा रोशन है हाँ हम ये कह सकते हैं कि हम इसके मुस्तबिल को रोशन करने की कोशिशें कर सकते हैं और इन उसमें कामयाबी भी, भी मिल सकती है लेकिन इज्तमाही कोशिशों की जरूरत है इतना ज़रूर है कि हमने 200 सालों में उर्दू जबान को लेकर अगर मैं इसकी बात करूं, तो हमने बहुत काम किया है और कौमी सतह पर बैन अवी सतह पर और जहाँ जहाँ भी उर्दू जबान की सहाफत मौजूद है उर्दू के पढ़ने वाले उर्दू सहाफत का मतलब है कि उर्दू के पढ़ने वालों से भी है तो उर्दू पढ़ने वाले जहाँ भी आ, हैं मौजूद हैं आ, उनके लिए बहुत काम हुआ है और बहुत सारी चीजें मैं समझता हूँ इतना सारा खजाना हमारे पास मौजूद है कि हम अगर अगले दो सालों तक इसका जो आ, पुराने खजाने का इस्तेमाल करें कुछ शोबों में आ, कुछ गोशों में तो मैं समझता हूँ कम नहीं होगा तो इसलिए हमारा दो साल मनाना और अगले आ, दो सालों के लिए सफर के लिए एक निशान तय करना मुझे लगता है जरूरी है एक अहम नुकता जो मैंने नोट किया है आपके इस इब्तदाई इजहार ख्याल से वो ये है कि सुनहरी दौर तो नहीं है लेकिन आप साथ ही साथ मायूस भी नहीं है कि आगे जे, जे, ऐसा जे, नहीं हो सकता है सहाफत का जो एक अहम हिस्सा गोशा या सेक्शन आप जो बोल दीजिए वो है उसके फीचर्स मतलब जे, जो, जे, जो सहाफती मवाद अखबार हो या टेलीविजन उस पर जो पेश होता है तो चूंकि हमारी आज की गुफ्तु का मौजूद ही वही फीचर निगारी के हवाले से है तो मैं इस हवाले से जानना चाहूंगा कि जो फीचर जैसे हम सहाफत में, इसका जिसको हम कहते हैं उर्दू सहाफत में बहुत बाद में आई उर्दू सहाफत में मजमून निगारी इतना छाई हुई थी इतने चूंकि अदब जहाँ तक उर्दू सहाफत का ताल्लुक है वो अदब से इसका ज़्यादा रिश्ता रहा है फीचर निगारी के अगर मैं उसके ताल्लुक से बात करूँ तो वहाँ बहुत सी ऐसी तहरीर असनाफ मौजूद थी जो कॉलम निगारी में भी जैसे मिजा का जो हिस्सा था वो बहुत ज़्यादा असरदार था तो न्यूज़ फीचर की जहाँ जहाँ तक हम बात करते हैं या इंग्लिश की जो फीचर राइटिंग की हम बात करते हैं वो उर्दू में बहुत देर से आई और कम दिनों तक चली आज भी फीचर राइटिंग का फगदान उर्दू में है क्योंकि तो अच्छे फीचर राइटिंग राइटर्स की कमी है अच्छे फीचर निगार जो है वो उर्दू में मैं समझता हूँ बहुत कम है इसकी कुछ वजूहत भी रही होंगी या रही हैं वजूहत हम जिसका जिक्र वो कर सकते हैं फीचर राइटिंग देखिए कि अंग्रेजी से हमने ली अंग्रेजी अखबारों से अंग्रेजी अखबारों को अगर हम अंग्रेजी अखबार या हिंदी अखबार या दूसरी जो जबानों के अखबार हैं जिनकी जिनका सर्कुलेशन बहुत ज्यादा है और जिनके सफ़ात बहुत ज्यादा है उर्दू में मुझे लगता है कि फ्यूचर निगारी की कमी की वजह यह है कि उसके उन अखबारों के सफ़ात बहुत कम होते हैं अगर हम अंग्रेजी से अगर इसका कंपैरिजन करें तो अंग्रेजी अखबार अगर अठारह सफ़ात या बीस सफ़ात चौबीस सफ़ात में निकलता है आज भी तो उर्दू का जो अखबार है वो आठ से बारह सफ़ात में निकलता है तो उनके पास रेगुलर फीचर निगारी के कोई जो है मौाक़ नहीं है आज और अगर पिछले दिनों में भी हम बात करें कोविड से पहले की बात करूंगा मैं कोविड से पहले जितने बड़े अखबार थे उनमें हर दिन कोई एक सफ़ा हुआ करता था जैसे बच्चों का सफ़ा है अदब का सफ़ा है खुवान का सफ़ा है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सफ़ा है और दूसरे जो भी मौजुआत रहे होंगे उनमें एक सफ़ा जरूर शायद होता था तो उसमें एक मौका था राइटर्स को कि मालूमी मजामिन के अलावा एक फीचर हम लिखें या फीचर उसमें शायद करें तो फीचर की खसूसियत ये होती है कि वो न्यूज़ और मजमून दोनों से अलग होता है न्यूज़ तो यकीन हम देखते हैं कि जो भी खबरें हमारे पास छपती हैं उसके लिए लाजमी बात है फीचर हो न्यूज हो या कोई भी सिंफ हो चाहे अफसाना निगारी हो नावल निगारी हो जबान उसमें अवली जो है रखती है लेकिन जो मामूली खबरें हैं किसी भी वाक्य की खबर अगर कोई रिपोर्टर लिखता है तो उसमें जबान बयान का बहुत ज्यादा लिहाज नहीं रखा जाता वहाँ यही सोचा जाता है कि भाई जो मालूम हैं जो इतला जो या जो इंफॉर्मेशन है वो पहुंचाई जाए लेकिन फीचर में ऐसा नहीं होता फीचर में रीडर की दिलचस्पी खारी की दिलचस्पी उसको पूरे फीचर पूरा फीचर पढ़ने तक उसको बनाए रखना उसको बांधे रखना और एक ऐसे अंदाज में फीचर राइटिंग होती है फीचर निगारी होती है जो उसको फन और अदब से नज़दीक ले जाती है ये कह सकते हैं कि वो मालूमती कम और जबान फन और अदब के करीब फीचर होता है एक मैं आपने जैसा कि पूछा कि उर्दू में इसकी तो मैं कहूँगा कि उर्दू में इसकी कमी रही इसलिए कमी रही कि उर्दू में मजमून निगारी का जो सिलसिला था वो बहुत मजबूत था और उसके खारी भी मैं समझता हूँ बहुत ज्यादा उसको पसंद करते थे चाहे कोई मौजू हो और उर्दू उर्दू अदब का ये मैं समझता हूँ खुशकस्मती रही है कि चाहे वो अदबी कॉलम निगार रहे हों या चाहे दव, समाजी माशी सियासी जो मजमून निगार रहे हैं उनकी तहरीरें बहुत अच्छी रही हैं इसलिए मैं समझता हूँ फीचर की जानब उर्दू सहाफत का जो रुझान था वो बहुत कम रहा हालांकि अगर हम उन्नीस सौ सत्तर के बाद की बात करें अगर उन्नीस सत्तर अस्सी के बाद के अखबार की बात करें चाहे वो हिंदुस्तान के अखबार हों या पाकिस्तान के अखबार हों आहिस्ता आहिस्ता जो है वो सफ़रनामों के तरह सफ़र की शक्ल में हों या गली नुक्कड़ की द, जो है वो खूसी रिपोर्ट्स की शक्ल में हों या ऐसे मसाइल जो आम तौर पर खबरों में नहीं आते और मजामिन में भी वो हिस्सा नहीं बन पाते तो उनकी खूस रिपोर्ट की शक्ल में फीचर निगारी का मैं समझता हूँ फीचर निगारी को फीचर निगारों को मौका मिला लिखने का और फीचर निगारी पसंद की गई लेकिन कोविड से पहले ही मतलब आ, मैं समझता हूँ पंद्रह से 20 के आसपास का हम दौर देखेंगे तो फिर उसका सिलसिला कम होता गया फीचर निगारी गाड़ी का देखिए यहाँ पर एक जो सवाल आपके नुक नजर इसको सुनने के बाद जो सवाल मेरे जहन में आ रहा है वो ये है कि फीचर निगारी जो है वो कहीं ना कहीं खबर निगारी से कुछ नज़दीकी उसका रिश्ता है बनस्बत समझ लीजिए कि आप जो अखबार में शाया होने वाले मजामी हैं या सफरनामे उनसे हट के तो क्या ये सॉफ्ट न्यूज वाले शुमरे में ही फीचर निगारी हर फीचर सॉफ्ट uh, न्यूज वाली कैटेगरी में ही शुमार होगा या उससे हट के भी जैसे uh, मुख्तलिफ जो वाकों की शक्ल में शायद होते हैं उन्ही को भी फीचर की शक्ल दी जा सकती है हाँ आपने बिल्कुल सही कहा फीचर निगारी सॉफ्ट हाँ। न्यूज की एक शक्ल है लेकिन वो न्यूज नहीं है सबसे पहले हम ये कहेंगे कि उसमें हाँ इसमें जो भी फीचर निगार है फीचर निगारी में सबसे अहम ये है कि उसको ज, उसका जबान बयान और अंदाज लिखने में जो खूबसूरती है आ, इसको आप कह सकते हैं इंटरटेनमेंट के नजदीक ले जाती है तफरी 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 मालूम आप कह सकते हैं मतलब वो मालूम जो तफरी अंदाज से फराम की जाए न सिर्फ तफरी बल्कि पढ़ने में मजा आए उसको ये खबरों में आमतौर पर अब हम देखते हैं कि अगर 50 से 50 फीसद से ज्यादा लोग सिर्फ सुर्खियां पढ़ते हैं और फिर अगर थोड़ा अगर हम बात करें तो 25 फीसद से भी कम लोग पूरी खबर पढ़ते हैं अब ये सर्वे भी बहुत सारे सर्वे सामने आए हैं कि पूरा अखबार मुश्किल से पांच फीसद भी लोग नहीं पढ़ते पूरा अखबार तो ऐसे में फीचर की तरफ जाना यकीन फीचर के जो खारी होते हैं वो कम होते हैं लेकिन जितने खारी होते हैं जितने ये खारी हैं आ, वो बने रहते हैं मुसलसिल बने रहते हैं और न फीचर न सिर्फ खबरें खब मालूम पहुंचाता है बल्कि एक तरह से जबान को बढ़ाने में तरक्की में भी रोल अदा करता है यह, यहाँ पर मेरा ये सवाल है कि जब मजमून निगारी के हवाले से मजामिन के हवाले से उर्दू सहाफत में अच्छा काम हुआ है कई नाम जी जी, जी बड़े आए हैं कलम निगारी के हवाले से भी कई एक उर्दू सहाफत में कलम निगारों के नाम सामने आए है तो ये फीचर के हवाले से क्यों पीछे रह गए इसकी वजुहत मैंने बताई आपको कि जब कोई एक पहलू किसी सेक्शन का बहुत ज्यादा मजबूत होता है तो उसके दूसरे पहलुओं पर बहुत कम नजर पड़ती है या बहुत कम जोर दिया जाता है इसकी एक और वजह है कि जो कॉलम निगार थे उर्दू में बड़े कॉलम नगार जिनकी मैं बात करता हूँ वो अदब से आए थे वो सहाफत से नहीं आए कॉलम नगार और यकीन जितने बड़े अखबार हैं वो कॉलम निगार के तौर पर अदीब को ही चूज करते थे जो अफसाना निगार है या नावल निगार है या जिन जिसकी जबान व बयान में कुछ अलग अंदाज है कुछ मुख्तलिफ अंदाज है उनको कॉलम दी जाता है और कॉलम में भी ज्यादातर जो जोर जो रहा वो क्या कहेंगे कि तंजो मिजाह की तरफ रहा फिकाहिया फिकाहिया मजामिन या ब, मिजाहिया मजामिन आप कह सकते हैं उसकी तरफ ज्यादा जरूरत जितने बड़े नाम हैं चाहे मुशफ़ ख्वाजा हों या मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी हों फिक्र तोी हों जितने बड़े कॉलम नगार उर्दू अखबारों में रहे उनका झुकाव यकी बल्कि कई बार ऐसा हुआ कि जब कोई मिजाह नगार के साथ एडिटर के तलुक ठीक नहीं रहे कॉलम नगार के साथ तो एडिटर ने खुद कोशिश की कि, कि वो जो है वो मिजाह नगारी का कॉलम खुद संभाले और ऐसे बहुत सी मिसालें उर्दू में हैं आ, यही वजह रही कि मुझे लगता है फीचर की तरफ रुख कम रहा हालांकि 80, 90 और 2010 तक का जो दौर है कुछ अखबारों ने पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों जगहों की मैं बात करूंगा आ, जो अवमी दिलचस्पी की जो, जो सब्जेक्ट रहे जो मौजू रहे उन पर बहुत अच्छे फीचर लिखे गए और फीचर्स का सिलसिला भी रहा और मैं उसको खुशकिस्मत मानता हूँ मैं अपने आप को कि मैंने उसी सिलसिले में हजूम में चेहरा का लोग उसी तो उसी से मुझे याद भी करते हैं और आज भी कई लोगों से जब मिलता हूँ तो मुलाकात होती है जो आज तीस पैंतीस चालीस साल के हैं आ, या फिर आ, उन्होंने जब मतलब मेरा मज़मून जब मुनसिफ में शाये होता था वो स्कूल में थे या कॉलेज में पढ़ रहे थे उनको मालूम है मतलब इस तरह से एक अच्छे अच्छी फीचर निगारी ने कुछ खारेन की खारेन को तैयार किया कह सकता है यहाँ पर एक सवाल ये आता है कि अगर अदीब अच्छा मजमून निगार बन सकता है अदीब कालम निगार बन सकता है और फिर फीचर का जो खरीबी ताल्लुक है वो खबर निगारी से भी है जी जी बिल्कुल तो अगर अखबारत उर्दू अखबार हो या इनके जो जिम्मेदारान हो ये अगर अपने सहाफ़ियों को जैसे आपका बुनियादी तौर पर ताल्लुक था है हिंदी सहाफत लेकिन आपने उर्दू सहाफ़त में भी इस हवाले से काफ़ी काम किया है आ, उसको फीचर्स कहूँ मैं आपका जो हजूम चेहरे का जो मकबूल आम सिलसिला था या किस जुमरे में शुमार करूँ मैं थोड़ा सा मखमस में का शिकार हूँ तो सवाल मेरा यह है कि अगर आज भी अखबार में अगर खबर पढ़ने सुर्खियां पढ़ने वालों की तादाद सबसे ज्यादा होती है और फिर इन्हीं सुर्खियों से कोई सहाफी वर्किंग जर्नलिस्ट अगर फीचर लिखता है इन्हीं खबरों के बुनियाद पर तो क्या वो जो हल्का है वो जो फीसद है वो जो तादाद है जो सुर्खियों तक महदूद है वो कालम है, फीचर निगारी के सबब अखबार पूरा पढ़ने की तरफ उनको लाया जा सकता लाया जा सकता है जैसा कि आपने कहा कि फ्यूचर मतलब खबरों के करीब होता है आ, इसमें जो सहाफी हैं जो जबान बयान में जो महारत रखते हैं आ, लेकिन इसमें पहली शर्त यह है कि वो शौक रखते हों को तरगीब भी मिलनी चाहिए हाँ तरगीब मिलनी, हा, मिलनी चाहिए और जो जो एडमिनिस्ट्रेशन हैं जो भी मालिकान है या जो अखबार चलाते हैं या जो पॉलिसी बनाते हैं अखबार में अगर वो इसकी कोशिश हुई नहीं ऐसा नहीं मैं खुद में चेहरा की ही बात करूँ में चेहरा से पहले जिससे मैं मुतासर रहा जिस जिस फीचर नुमा कॉलम से वो था तमाशा मेरे आगे अता मोहम्मद साहब का जो और वो कॉलम फीचर का ही अंदाज था अगर आपको याद हो आपने भी पढ़े मैं समझता हूँ हुए मौजूद और मुझे जहाँ तक मैंने जो जो उनके तहरीरें पढ़ी हैं वो खुद भी एक मतलब आप कह सकते हैं कि हालांकि बड़े ब्यूरो चीफ के उहदे पे रहे बाद में एसोसिएटर भी रहे वो जाते थे मुकाम पर लोगों से बातचीत करते थे उनका एक सबसे मशहूर जो कॉलम रहा तमाशा मेरे आगे में वो था कि आ, पुरा आ, पुराना पुल आ, नाले की दसवीं बरसी आप उसमें इतना मतलब अंदर एक नाले पर एक खूबसूरत मजमून जो पढ़ के आ, आ, खारी एंजॉय कर सकता है और जो वहां से गुजर चुके हैं मैं समझता हूँ उनके लिए तो वो जिंदगी भर याद रखने वाला मजमून हो सकता है आ, रहा है जैसा कि मुझे भी अभी तक याद है तो इस तरह का सिलसिला में चेहरे की मैं अगर बात करूं तो सबसे पहले मुझे जब कहा गया मुनसिफ में कि आप मैं उनको पता चला कि मैं रहनुमा में लिखा करता था मिलाप में हूं तो ये तय हुआ कि कुछ नया सिलसिला शुरू किया जाए तो मेरे सामने दो चीजें थी एक तो हिंदी सहारा में एक मजमू एक कॉलम छपा करता था जो दिल्ली में किसी भी नुक्कड़ पर किसी भी गली में किसी सड़क पर कोई भी शख्स जो कुछ काम कर रहा है कुछ भी काम कर रहा है चाहे वो रिक्शा चला रहा है या फिर कुछ बेच रहा है कहीं इस तरह के शख्स से मुलाकात करता रिपोर्टर और उससे कुछ सवाल करता क्या आप कहाँ से हैं क्या यहाँ मुतमिन हैं, आप कितना कमा लेते हैं इस तरह के दो चार सवाल होते और फिर उसकी तस्वीर होती और ज्यादातर सवाल जवाब में होता था मैं समझता हूँ पाकिस्तान में जंग में भी इस तरह का एक कॉलम छपा करता था जो कुछ सवाल पर मबनी होता था मैंने उसकी तीसरी शक्ल अपनाई कि वो फीचर की शक्ल में हो जिसमें हालांकि आपने ऐसा कहा कि उसको मैं फीचर कहूँ या क्या कहूँ तो कुछ साल बाद चार पाँच साल बाद मुझे आ, एहसास हुआ कि उसको फीचर से थोड़ा आगे ले जाया जाए जिसमें इनशाइये की शक्ल हो जिसमें आ, कुछ सफरनामे का भी हिस्सा हो तो उसमें मैंने टोपोग्राफी का इस्तेमाल किया था टोपोग्राफी आमतौर पे नक्शा साजी आप उसको कह सकते हैं कि मैं दो तीन मिसाल इसमें देना चाहूँगा एक कई है कई बार ऐसा हुआ कि लोगों ने पूछा वो कहाँ रहते हैं कॉलम पढ़ने के बाद मुझे ऐसा सोच कि उसमें मैं ये तो उसका एड्रेस तो नहीं लिख पाऊंगा क्योंकि उसका अंदाज कुछ ऐसा था शक्ल कुछ ऐसी थी उस मजमून की या उस कॉलम की कि हम किसी का एड्रेस नहीं लिख सकते थे खैर सेल नंबर तो उस वक्त आए नहीं थे अभी तो मुझे लगा कि नहीं उसका एड्रेस पढ़ते हुए आदमी को समझ में आना चाहिए ताकि वो आसानी से वहां पहुंचे तो मुझे टोपोग्राफी का थोड़ा सा शौक था तो मजमून में कुछ ऐसी तहरीर होती थी कि बगैर एड्रेस पूछे पढ़ने वाला उस आदमी तक पहुंच जाए चार मिनट से चार मिला चंद फरलांग बाएं मुड़ जाएं जैसे कि आज आपको मैप बताता है आपका गूगल मैप जैसे बोलता है कि लेफ्ट मुड़ जाइए दस मीटर के बाद आप इस तरफ मुड़ सकते हैं तो उसमें होता था कि भाई ये ये मिठाई की दुकान है उसके बाजू में कुछ ऐसा है या कुछ इस तरह से तो बहुत से खारेन का मुझे जो फीडबैक मिला कि उन्होंने बगैर किसी से पूछे आ, उस पते पर पहुंच गए जो जिस शख्स के बारे में मजमून लिखा गया था हालांकि फीचर की खबरों के अलावा दीगर जो अक्सम जो कि आमतौर पर उर्दू सहाफत में भी लिखा जाता है वो रोटीन में सभी तरह जैसे मतलब कोई बड़ी शख्सियत का गुजर जाना फीचर उन पर लिख दिए हाँ, हाँ, लेकिन लेकिन मुस्तकिल बुनियादों पर इस पर तो दी जानी चाहिए जी और जो आपकी गुफ्तु का जो खुलासा रहा कि अगर दी जाए इस पर तोजी जाए मौका दिया जाए और खासतौर पर सहाफी जो वर्किंग जर्नलिस्ट है वो इस हवाले से करे तो वो दौर जो है वो जो ख है जो पिछड़ रहा है या दूरी कर रहा है वो जुड़ सकता है है वो सकता आप क्या देखते हैं आगे आगे अगर इस हवाले से तवज्जो दी जाती है, तो आगे की सूरत हाल कैसे हो सकती है एक मिसाल देना चाहूंगा इसमें इंडियन एक्सप्रेस चूंकि जो भी अंग्रेजी अंग्रेजी का मशहूर अखबार है आ, और इस वक्त ही नहीं बल्कि मैं समझता हूँ पिछले तीस पैंतीस वर्षों में आ, फीचर राइटिंग में सबसे उम्दा मिसाल एक्सप्रेस की आप दे सकते हैं यही वजह है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं अंग्रेजी के वो इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हैं उसमें आज भी हर दिन दो से ज्यादा सफात फीचर को दिए जाते हैं और फीचर लिखने वालों की ज्यादा तादाद रिपोर्टिंग से आती है इसकी वजह यह है रिपोर्टिंग और मैं जैसा कि बता रहा था जबान जिनकी अच्छी है उनको प्रे, उनको प्रेफरेंस दिया जाता है वहां और कभी उनके खारियों की तादाद कम नहीं हुई है hmm. दूसरे अखबारों ने उसकी छोटी शक्ल अपनाई जिसको आप स्टोरी राइटिंग कहा गया क्योंकि टाइम्स ऑफ इंडिया है या डेकन क्रॉनिकल है या दूसरे जो अंग्रेजी अखबार हैं उन्होंने इसकी छोटी शक्ल न्यूज स्टोरी के तौर पे अपनाई और उसमें भी जो उसकी उसका इंट्रो होता है स्टोरी का वो फीचर का ही होता है यकीनन जो न्यूज स्टोरी होती है तो उसका उसको आप छोटा फीचर कह सकते हैं लेकिन बाद में इसमें भी ये हुआ कि जैसे ही डिजिटल मीडिया आया तो वो, वो उसमें भी कुछ मतलब अल्फाज कह सकते हैं कि जो अल्फाज की तादाद थी वो घट गई तो अब सिर्फ इंट्रो ही उसका फीचर नुमा होता है बाकी सब फिर वो खबरिया शक्ल बन जाती है तो उर्दू में जैसा कि मैं कुछ अखबारों का नाम लू जैसे सियासत है मुनसिफ है आ, रहनमा है या दूसरे अखबार हैं अगर हैदराबाद के अखबारों की मैं बात करूं तो आज भी आप देखें कि जैसे संडे एडिशन हम निकाल के देखते हैं संडे एडिशन बचा है जो उसमें मजमून का असर आज भी ज्यादा है मजमून निगारी का असर ज्यादा है आ, वहां पर अगर हम जो लाइव फीचर हम जिसकी बात जैसे आप मैं समझता हूं हम इस इंटरव्यू से पहले जब हम बात कर रहे थे लाइव रिपोर्टिंग की तो फीचर लाइव रिपोर्टिंग हो सकता है अखबारों में और मैं समझता हूं कि मजमून निगारी से ज्यादा असरदार हो सकता है और इसके खारी बढ़ सकते हैं इससे लोगों को खबर सच्ची खबर के नज़दीक लाया जा सकता है जज्बाती तौर पे जोड़ा जा सकता है लोगों से उर्दू के खारी बढ़ाए जा सकते हैं उर्दू के खारी बढ़ाए जा सकते हैं अगर इस जानब तोज्जो दी जाए और अच्छे फीचर लिखे जा सकते हैं अगर ख़ुद जो कारगुजार हैं वर्किंग जर्नलिस्ट है उनको मौका दिया जाए सलीम साहब आप आज हमारे स्टूडियो में इस प्रोग्राम के लिए तशरीफ़ लाए उर्दू सहाफ़त और कलम निगारी इसके लिए आपने वक्त निकाला हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं और नाजरीन अगले एपिसोड में फिर हम आपसे एक नए मौजू पर दोबारा बात करेंगे इजाज़त दीजिएगा बेहद शुक्रिया